तो सीमित समय में इतने विस्तृत विषय पर बोलना, इतने विस्तृत विषय को न्याय देना कितना कठिन है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। इसलिए विषय का विस्तार, समय की सीमा दोनों आपके ख्याल में आएगी तो ऐसे समय बोलने वाले वक्ता की स्थिति दयनीय हो जाएगी, यह बात आप स्वयं समझ सकते हैं। किंतु जो विषय है उसके साथ न्याय तो करना ही चाहिए। प्रज्ञा भारती के लोग भी प्रबुद्ध हैं, पुणे के यहाँ आए हुए लोग भी प्रबुद्ध हैं, और मुझे आश्वासन मिला है कि ये लोग ऐसे हैं कि थोड़ा कहा बहुत समझा, किसी भी बिंदु पर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। यह सुनने के कारण मैंने साहस किया है यह विषय लेने का। आप सब लोगों का सहयोग सहकार्य रहेगा तभी यह हो सकता है, वरना या तो विषय के साथ अन्याय होगा, या तो आप लोगों के साथ अन्याय होगा, या मेरे साथ अन्याय होगा। इसलिए मैंने ऐसा सोचा, विषय के साथ अन्याय न हो इसलिए। जो हमारी पद्धति है, हम लोग तो प्रबुद्ध लोगों के सामने ज़्यादा बोलते नहीं, तो वहाँ जैसे लच्छेदार भाषण की पद्धति है वह न लेते हुए, क्योंकि उसमें सारा कैनवास कवर नहीं हो सकता, तो केवल बिंदु मात्र आपके सामने रखना। और इस दृष्टि से कुछ भाषण के रूप में, कुछ पेपर रीडिंग के रूप में बोलना, ये अनकन्वेंशनल है, दिखने में खराब दिखता है, लेकिन न्याय की दृष्टि से आवश्यक समझकर मुझे यह करना पड़ेगा। आप इसलिए मुझे क्षमा करेंगे मेरी मजबूरियां समझकर। भाषण को प्रारंभ करने के पहले एक प्रश्न मैं लेना चाहता हूँ। प्रज्ञा भारती की यहाँ बैठक रही, उसका तत्वावधान रहा, कई लोगों के मन में होगा ये प्रज्ञा भारती क्या है, इसका प्रयोजन क्या है। तुम जानते हैं कि यह चलाने वाले लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक प्रचारक है। संघ की अपनी एक योजना 1925 से ही चल रही है। परम पूजनीय डॉक्टर जी ने हम लोगों के सामने साध्य साधन विवेक रखा, परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, यह साध्य विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम, यह साधन। और इसका आधार विजय त्रिचन संहता कार्य शक्ति है, हमारी हिंदुओं की विजयशालिनी संगठित शक्ति यानी हिंदू संगठन, यह आधार। इस आधार पर धर्म का संरक्षण, उसके फलस्वरूप हिंदू राष्ट्र का परम वैभव, यह साध्य साधन विवेक उन्होंने रखा। और फिर कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसमें से पहला जो आधारभूत कार्य है वही करेगा, संपर्क, संस्कार, स्वयंसेवक, संगठन, बहुत कठिन काम है। स्वयंसेवक और मतदाता में बहुत अंतर होता है, तो यह बहुत कठिन कार्य यह संघ करेगा। तो प्रश्न आए कि परम वैभवम के लिए राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कई कार्य खड़े करने की आवश्यकता है, विचारों का विकास करने की आवश्यकता है, आप केवल दक्षारम ही करेंगे तो यह सब कैसे होगा। तो कहा गया कि हम लोग दक्षारम ही करेंगे, दूसरा कोई भला काम संघ नहीं करेगा, लेकिन हिंदुस्तान में कोई भी भला काम ऐसा नहीं रहेगा जो करणीय है और नहीं हुआ, तो कैसे होगा। तो कहा कि संघ संगठन ही करेगा, किंतु संघ से प्रेरणा और संस्कार प्राप्त किए हुए स्वयंसेवक राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे, वहाँ उपयुक्त कार्यों की रचना और विचारों का विकास करेंगे, इस तरह से राष्ट्र पुनर्निर्माण कार्य होगा, यह पहले से सोचा गया, वो आज हम देख भी रहे। तो कार्यों की रचना, विचारों का विकास, यह स्वयंसेवकों की जिम्मेवारी है। मानो एक डिवीजन ऑफ लेबर संघ और स्वयंसेवकों में है कि संघ ने संगठन और स्वयंसेवक निर्माण करना, स्वयंसेवकों ने राष्ट्र उपयोगी विचार और कार्य निर्माण करना, एक तरह से डिवीजन ऑफ लेबर ऐसा हुआ। इसके अनुकूल कालक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में स्वयंसेवकों ने प्रवेश किया, काम शुरू किए, और भी विभिन्न क्षेत्रों में वो प्रवेश करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जो योजना है, परम पूजनीय डॉक्टर जी दृष्टा थे, लॉन्ग रेंज थिंकिंग उनका था, बेसिक थिंकिंग उनका था। 1925 में जो संघ की स्थापना हुई वो केवल हठात आवेश में आकर
और किसी रिएक्शन में ऐसा नहीं था, सालों तक उन्होंने विचार किया था, उसके परिणाम स्वरूप यह संघ का निर्माण हुआ। तो बड़ी बृहत योजना है, लंबी योजना है, लॉन्ग रेंज योजना है, उसके अंतर्गत यह चल रहा। अब इसमें जैसे जैसे अलग अलग क्षेत्रों में स्वयंसेवक काम करने लगे, उन्होंने ठीक ढंग से कार्यों की रचना, विचारों का विकास किया, किंतु एक व्यावहारिक कठिनाई दिखने लगी कि हर एक क्षेत्र में जैसे काम बढ़ता है, व्याप कार्य का बढ़ता है, फिर संगठन है, आंदोलन है, अपने विषयों का अध्ययन है, बाकी सारे, तो जैसे कार्य का व्याप बढ़ने लगा, वैसे विचारों का विकास करने की क्षमता होते हुए भी उसके लिए जो समय और शक्ति लगानी चाहिए उतनी देना विभिन्न क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ा कठिन होने लगा। तो इसके कारण उसकी पूर्ति करने के लिए, माने जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वो कार्यकर्ता विचारों का विकास करने की क्षमता रखते नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके पास इतने काम रहते हैं तो वो अपने ढंग से विचारों का विकास करते ही रहते हैं, तो भी जो कुछ भी न्यून रहता होगा उसकी पूर्ति करने के लिए कुछ एजेंसी होनी चाहिए, कुछ माध्यम होना चाहिए, यह सोचा गया। वह पूर्ति करने के लिए प्रज्ञा भारती इस माध्यम का निर्माण किया गया है, यह इसका प्रयोजन है, यह हम ध्यान में रखें। अभी हम अपने विषय पर आते हैं। ऐसा है कि इसमें अलग अलग समय पर जो झूठ बातें, उनका प्रचार योजनापूर्वक बुद्धिपुरस्सर हमें गुमराह करने के लिए पहले हुआ है, आज भी हो रहा है, वह सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है। अब उसमें कुछ ऐसे ओल्ड मिथ्स, जिसको कहेंगे मिथ्स यानी मिथ्या विचार, ओल्ड मिथ्स ऐसे भी है, कुछ नए मिथ्स भी अब हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे ओल्ड सुपरस्टिशंस होते हैं और मॉडर्न सुपरस्टिशंस भी होते हैं, वैसे ओल्ड मिथ्स भी है, न्यू मिथ्स भी है। तो ओल्ड मिथ्स के कारण क्या कठिनाई निर्माण हुई आप सब जानते हैं, उसका केवल निर्देश करना पर्याप्त होगा, संक्षेप में हो इसलिए मैं वो पढ़ के बताता हूँ। हिंदुओं को आत्मविस्मृत बनाने के लिए और उनके मन में हीनता का भाव निर्माण करने के लिए मैकॉले के वैचारिक नेतृत्व में एक नीति निर्धारित की गई, जिसके अंतर्गत कई मिथ्स माने गलत विचार प्रचारित किए गए। शिक्षा प्रणाली के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, गलत थियोरीज के माध्यम से और इतिहास के विकृतीकरण के माध्यम से इन गलत विचारों को इंग्लिश एजुकेटेड विद्वानों ने स्वीकार किया और जनता में उनका प्रचार किया। लंबे समय तक ये गलत विचार ही अधिकृत सत्य के नाते सबने स्वीकार कर लिए। इनको चैलेंज करने का विचार भी किसी के मन में नहीं आया। ये मिथ्स, ये गलत विचार सर्वपरिचित है। यहाँ बैठे हुए प्रबुद्ध लोग जानते हैं कि धीरे धीरे इन कोर्स ऑफ टाइम राष्ट्रभक्त विद्वानों ने इन विचारों को चैलेंज किया, सत्य बातें जनता में प्रचारित करने का प्रयास किया। मैकॉले प्रणीत नीति ही सफलता के नीति की सफलता के कारण गलत विचार तथा सिद्धांत लोगों के मन में इतने दृढ़मूल हो गए थे कि राष्ट्रभक्त लोगों को कई दशकों तक डिफेंसिव पर रहना पड़ा। अंग्रेज प्रणीत असत्य सिद्धांत ही ऑफेंसिव पर रहे, किंतु सातत्य के साथ और हिम्मत के साथ राष्ट्रभक्त लोगों ने अपना प्रचार कार्य जारी रखा। इसके फलस्वरूप जनता में जागृति आना प्रारंभ हुआ। सत्य सिद्धांतों और असत्य सिद्धांतों की लड़ाई बराबरी के स्तर पर प्रारंभ हुई। धीरे धीरे सत्य सिद्धांतों का प्रचार बलवान होने लगा। ग्रेजुअली द टेबल्स वेर टर्न, असत्य सिद्धांत डिफेंसिव पर आने लगे। सत्य सिद्धांतों ने ऑफेंसिव की भूमिका ली। लड़ाई आज जोरों से चल रही है। ये मिथ्स, ये असत्य सिद्धांत हमारे सामने बड़ी वैचारिक चुनौतियां बनकर आई। ये सिद्धांत अनेक है और एक एक के बारे में विस्तृत चर्चा हो चुकी है और चल रही है। उन सब की पुनरुक्ति करने में यहाँ समय बिताना संभव नहीं, आवश्यक भी नहीं, क्योंकि यह सही अर्थ में सार्वजनिक प्रचार सभा नहीं है,
यहाँ तो चुने हुए प्रबुद्ध नागरिक ही उपस्थित है जो इन सब चर्चाओं को कई बार सुन चुके हैं। हर एक बिंदु का पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष जिन्होंने कई बार सुना है, इसलिए यहाँ इस विचार सभा में बैठे हुए आप लोगों के लिए उन सब चर्चाओं की विस्तृत पुनरावृत्ति अनावश्यक है। संबंधित विचार बिंदुओं का केवल पुनस्मरण करा देना ही आपके लिए पर्याप्त है। केवल पुनर्उल्लेख से ही आप प्रबुद्ध लोगों के मन में अब तक इन पर हुई सभी चर्चाओं का स्मरण जागृत होगा और आपके ध्यान में ये सब मिथ्स आएंगे जो आज डिफेंसिव पर है, ओल्ड मिथ्स। हिंदुस्तान यह एक राष्ट्र कभी भी नहीं रहा, यह नेशन इन मेकिंग है, यह राष्ट्र नहीं, इसलिए इसकी कोई राष्ट्रीय संस्कृति भी नहीं। यहाँ कंपोजिट कल्चर, मिलीजुली संस्कृति है। आर्यों ने बाहर से आकर आक्रमण किया और यहाँ के मूल निवासियों को परास्त कर अपना अधिराज्य यहाँ जमाया। जिस तरह मुसलमान और अंग्रेज बाहर से आए, वैसे ही आर्य भी बाहर से आए हैं। मूल निवासियों को कुचल दिया गया। हिंदू जो आर्यों के सक्सेसर है, वे भी यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, वे भी उतने ही पराये आक्रमक है जितने मुसलमान और अंग्रेज है। यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ लोग हैं, उनका अलग राष्ट्र है, अलग संस्कृति है, अलग भाषा है। इसको नष्ट करने का प्रयास उत्तर भारत के आर्य हिंदू कर रहे हैं। धर्म और रिलीजन सिनोनिमस है। आर्य यह वंशवाचक शब्द है, गुणवाचक नहीं। राष्ट्र और राज्य सिनोनिमस है। संस्कृत यह मृत भाषा है। हिंदू यह एक रिलीजन है और हिंदुइज्म यह कम्युनलिज्म है। हिंदुत्व एंटी सेक्युलर है। अंग्रेजों के यहाँ आने के पूर्व यहाँ कोई सभ्यता नहीं थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का संपूर्ण अभाव था। जनता को शिक्षा देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान था वह ऊपर के थोड़े लोगों ने मोनोपोलाइज किया था। उन्होंने बहुजन समाज को जानबूझकर अज्ञान में रखा ताकि इन अल्पसंख्यक अपर क्लास का प्रभुत्व संपूर्ण समाज पर अबाधित कायम रहे। अपर क्लास के इन लोगों ने बड़ी चतुराई से लोगों को संभ्रमित करते हुए उनके ऊपर ऐसी विषमतापूर्ण समाज रचना थोप दी जिसमें इन थोड़े लोगों का प्रभुत्व समाज पर रहे। बहुजन समाज बहुसंख्यक होते हुए भी ऊपर के अल्पसंख्यकों की गुलामी में रहे और इस बहुजन समाज विरोधी रचना को धर्म प्रणीत वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था ऐसा नाम देकर धार्मिक सैंक्शन प्रदान कर दिया। यहाँ का बेसिक यूनिट जाति माना गया, राष्ट्र नहीं ऐसा माना गया। इन सब मिथ्या विचारों को इंग्लिश एजुकेटेड विद्वानों ने स्वीकार किया। इन विद्वानों ने ये गलत विचार समाज में प्रस्तुत किए। जैसा कि पहले कहा गया, इन गलत थियोरीज का तर्कशुद्ध खंडन अब हो चुका है। जनमानस की भ्रांतियाँ दूर होना प्रारंभ हो गया है। गलत प्रचार करने वाले अब डिफेंसिव पर आ रहे हैं। सत्य सिद्धांत आगे बढ़ रहे हैं। वैचारिक क्षेत्र में टर्निंग पॉइंट आ चुका है। विचारों की सही दिशा में प्रगति होना प्रारंभ हो गया है। अब इंग्लिश एजुकेटेड लोगों के ध्यान में धीरे धीरे आ रहा है कि इंडिया इज ए मल्टी नेशनल स्टेट, यह सिद्धांत गलत है। भारत हैज बीन एंड स्टिल कंटिन्यूज टू बी ए मल्टी स्टेट नेशन, यह सिद्धांत सही है। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर स्टेट्स विदाउट नेशनहुड। इंडिया इज ए मल्टी कल्चरल नेशन, ये कहना गलत है। हिंदू इज ए मल्टी डायमेंशनल कल्चर, यह वास्तविकता है। हिंदू नाम का कोई रिलीजन नहीं। हिंदुओं के कई रिलीजन्स है, किंतु देर इज ए हिंदू व्यू ऑफ रिलीजन। रिलीजन इज ए स्ट्रिक्टली पर्सनल अफेयर, एज स्ट्रिक्टली पर्सनल एज वंस ओन टूथब्रश। हिंदू व्यू ऑफ रिलीजन इज ऑल एम्ब्रासिंग, ऑल इंक्लूसिव। इसी कारण महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भी हिंदुइज्म के अंतर्गत आसानी से एकोमोडेट हो सकते हैं। बृहस्पति चारवाक प्रणीत लोकायतम यानी मटेरियलिज्म भी इसका एक अंग है। हिंदू व्यू ऑफ
रिलीजन की विशेषता है, हम दो शब्द अंग्रेजी में जानते हैं, आयदर और एज वेल एज। तो हमारी विशेषता ये है कि आयदर ऑरिज्म इज नॉन हिंदू, एज वेल एजिज्म इज हिंदू। इसी कारण मुसलमानों के विषय में सुयोग्य नीति यह सोची गई कि उनका पुरस्कार नहीं, अपीजमेंट नहीं, बहिष्कार भी नहीं, पुरस्कार नहीं, बहिष्कार नहीं, परिष्कार, यही सही नीति सोची गई है। हिंदू एंड ह्यूमन आर सिनोनिमस। राइट फ्रॉम द डॉन ऑफ द सिविलाइजेशन वी ऑलवेज आइडेंटिफाई अवर सेल्फ विद द एंटायर मनकाइंड। देयरफॉर ऑल अवर थिंकिंग, अवर प्रेयर्स इन वेदास आर फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स। पुमान पुमांसम परिपातु विश्वतः, लेट मैन प्रोटेक्ट मैन फ्रॉम ऑल साइड्स एटसेट्रा। इसी कारण प्राचीन संस्कृत साहित्य में हिंदू शब्द मिलता ही नहीं। किंतु जब पृथ्वी के पीठ पर कुछ ऐसे जनसमूह निर्माण हुए जो संपूर्ण मानव जाति के साथ एकात्म होने के लिए तैयार नहीं थे, जो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी, अलग पहचान रखना चाहते थे, और वे वह आइडेंटिटी बाकी लोगों पर थोपना चाहते थे, और ऐसे जनसमूह जब भारत में आए तब हम इन जनसमूहों से अलग है यह स्पष्ट करने के लिए अपनी आइडेंटिटी का वाचक शब्द प्रयोग करना पड़ा, और वह पहले से ही उपलब्ध था। पहले ही बाहर के लोगों ने कहा था यह सिंधु लोग है या हिंदू लोग है, सका हिंदू हो जाता सब जानते हैं, तो वह शब्द पहले से उपलब्ध था। तो इसलिए इस शब्द का प्रयोग हुआ कि हम इन लोगों से अलग हैं। जैसे किसी भी शहर के मार्केट में केवल विशुद्ध घी यदि आता है, विशुद्ध घी आता है तो केवल ये साइन बोर्ड लगाना पर्याप्त होता है, घी की दुकान। किंतु जब डालडा आता है, वेजिटेबल प्रवेश करता है घी के मार्केट में, तब जो विशुद्ध घी के दुकान है उनको साइन बोर्ड लगाना पड़ता है, विशुद्ध घी की दुकान। तो वैसे सारे मानव ही थे, इसलिए हिंदू नाम से अलग पहचान हमने रखी नहीं, हम आइडेंटिफाइड विथ ह्यूमन सोसाइटी ऐसे ही थे। किंतु जब ये डालडा और वेजिटेबल घी वाले हमारे मार्केट में आ गए, तब हम ये डालडा नहीं है, वेजिटेबल घी नहीं, ये बताने के लिए हमको कहना पड़ा कि हम हिंदू है। बाकी हिंदू एंड ह्यूमन आर सिनोनिमस। हमारी कुछ परंपरागत मान्यताएं हैं। हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंट सनातन धर्म है। इसका इतना प्रभाव है लोग समझते नहीं, मैं ज़्यादा उदाहरण यहाँ देना नहीं चाहता, पब्लिक मीटिंग होती तो हम देते, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने जीवन भर धर्म शब्द की निंदा की, उनके मृत्यु के 24 घंटे पहले श्रीमद् नारायण अग्रवाल के किताब को प्रस्तावना उन्होंने लिखी, और उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें क्या अचीव करना है। तो उन्होंने कहा कि हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाना है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाना है, किंतु उससे महत्व की बात है कि टू मोल्ड मेन्स माइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ धर्म। जवाहरलाल जी कहते टू मोल्ड मेन्स माइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ धर्म। तो इतना इसका सभी लोगों पर माने न माने यह प्रभाव है। और सनातन धर्म का युगानुकूल आविष्कार आज का यह पंडित दीनदयाल जी ने दिया हुआ एकात्म मानव दर्शन है। हमारे दृष्टाओं ने जिनका दर्शन किया वे वैश्विक नियम, यूनिवर्सल लॉज, इसके आधारभूत है, वे शाश्वत है, इटर्नल है, अनचेंजिंग है, और उनके प्रकाश में समय समय पर अलग अलग कालखंडों में प्राप्त परिस्थितियों के चैलेंजेस को ध्यान में रखकर समाज रचना में परिवर्तन करते रहना यह हमारी पद्धति है। एवर चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर इन द लाइट ऑफ द अनचेंजिंग इटर्नल यूनिवर्सल लॉज, यह धर्म का स्वरूप है। इस तरह की युगानुकूल समाज रचना के विषय विवरण को युग धर्म यह संज्ञा है। यही आज का एकात्म मानव दर्शन है। जो जो समाज व्यवस्था सनातन धर्म के दायरे में रहेगी उसके अंदर अंतर विरोध, इंटरनल सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्शंस कभी भी निर्माण नहीं हो सकते। जो जो समाज व्यवस्था सनातन धर्म के दायरे के बाहर रहेगी उसके अंदर इंटरनल सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्शंस पैदा होना अपरिहार्य है। ऐसी समाज व्यवस्थाएं अपने ही सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्शंस के बोझ के नीचे दबकर खत्म हो जाती है। इसी क्रम में कम्युनिज्म खत्म हो चुका है और कैपिटलिज्म
सन 2010 के पूर्व ही पूर्ण रूपेण खत्म हो जाएगा, ऐसा हम आश्वासन पूर्वक आपको कह सकते हैं। परम पूजनीय श्री गुरु जी का वर्ल्ड मिशन ऑफ हिंदूज हमें बताता है कि ग्लोबलाइजेशन का सही अर्थ क्या है। होलिस्टिक इंटीग्रल वे ऑफ थिंकिंग, यह हमारी विशेषता है। कंपार्टमेंटलाइज्ड फ्रैगमेंटरी थिंकिंग, यह अब तक पश्चिम की विशेषता रही है, अब वे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की ओर आ रहे हैं। हमारे संपूर्ण चिंतन का आधार है यह साक्षात्कार जो हमारे दृष्टाओं ने किया, और जो हम सब नहीं कर सकते किंतु उनके साक्षात्कार को हमने वैल्यूज ऑफ लाइफ के नाते स्वीकार किया, वह है सर्वम खलविदम ब्रह्म, जिसका सरल अंग्रेजी में भाषांतर होता है ऑल इज वन, नॉट दैट ऑल आर वन। ऑल आर वन बोलने से अलग अलग चीजें आती है, ऑल इज वन यह इसका सरल भाषांतर है। सभी का अंतिम गंतव्य स्थान एक ही है, सभी का, सभी प्राणियों का सुख, घनीभूत सुख, चिरंतन सुख, निरंतर सुख, जिसको टेक्निकल टर्म में मोक्ष यह संज्ञा दी गई है। वहां तक पहुंचने के मार्ग अनेक है, अनंत हो सकते हैं, इसे कहा जाता है स्यादवाद, जो अपने जैनिज्म ने विशेष रूप से हाईलाइट किया है। इन द इमीडिएट सोशल कॉन्टेक्स्ट, सुख का मतलब होता है सर्वे न सुखिनः सन्तु, सर्वभूत हिते रतः। इसकी कॉरोलरी है हैप्पीनेस ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ऑफ द लोलिएस्ट ऑफ द लो, सर्वोदय अंत्योदय, यह हमारी विकास की, डेवलपमेंट की अवधारणा है। विकास का वेस्टर्न पैराडाइम एंटी हिंदू है, एंटी धर्म है, एंटी एनवायरनमेंट। हमारे यहाँ एनवायरनमेंट की चिंता वैदिक काल से हुई है। 1972 में स्टॉकहोम के अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कॉन्फ्रेंस में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब कहा कि वैदिक काल से हमारे यहाँ इसकी हम चिंता कर रहे हैं इकोलॉजी की, सबको आश्चर्य हुआ। आप जानते हैं कि अथर्ववेद का 12वां पूरा अध्याय 63 श्लोकों का है, यह इकोलॉजी के लिए, पर्यावरण के लिए दिया हुआ है। विकास का हमारा मार्ग है चतुर्विध पुरुषार्थ, न कि प्रॉफिट मोटिव, कंट्राइव्ड स्केयरसिटीज, इकोनॉमी ऑफ राइजिंग प्राइसेस, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीकर वंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू। विकास, हर एक व्यक्ति का संपूर्ण सर्वांगीण विकास, शरीर मन बुद्धि आत्मा का विकास, समाज का सर्वांगीण विकास यानी भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास, यह समझकर कि भौतिक और आध्यात्मिक ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, यह हमारी हिंदू धारणा है। समुत्कर्ष निश्रेयस जो हमारे प्रार्थना में आता है, दो शब्द है समुत्कर्ष निश्रेयस, षष्ठी सामने आता है तो षष्ठी एक वचन ही है, समुत्कर्ष निश्रेयस्य द्विवचन नहीं है, एक देखने की बात है। हमारे इन विचारों को एजुकेटेड लोगों में अधिकाधिक मान्यता प्राप्त होने लगी है, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। विदेशियों द्वारा बुद्धिपुरस्सर प्रसारित गलत सिद्धांतों को, मिथ्स, ध्वस्त करने में यशस्वी होने की प्रक्रिया चल ही रही है, उतने में अब नए मिथ्स, नए गलत विचारों का आक्रमण हमारे ऊपर प्रारंभ हो गया है। यह ठीक उसी ढंग से है जैसे 1100 साल पराय आक्रमण राज्य इसका मुकाबला करते हुए हिंदू सैन्य की शक्ति ने 18वें शताब्दी के उत्तरार्ध के प्रारंभ में यावनी वर्चस्व को निर्णायक रूप से ध्वस्त करने में यश प्राप्त करना प्रारंभ किया। इतना बड़ा काम किया, अटक से कटक तक हमारे विजयी अश्व संचार करने लगे, और यह प्रक्रिया संपूर्ण यशस्विता की ओर तेजी से आगे बढ़ रही थी, उतने में ही एक नया आक्रमण अंग्रेजों का एकदम प्रबल रूप से हमारे सामने आया और इसका मुकाबला करना बाध्य हो गया। यावनी आक्रमण मुकाबला हमने किसने बहादुरी से किया, इसका ग्राफिक डिस्क्रिप्शन सावरकर जी ने किया है, मराठी में है, हिंदी लोग इतना ही समझ ले, हिंदी भाषा भाषी के भी इसमें कितनी बहादुरी है यह बताया। उन्होंने ये कहा कि ईरान पासुनी फिरंगान पर्यंत शत्रु की उठे फड़ी, फ्रॉम ईरान टू इंग्लैंड, ईरान पासुनी फिरंगान पर्यंत शत्रु की उठे फड़ी, सिंधु पासुनी सेतुबंध पर्यंत रणांगण भूझाली, तीन अखंडीचा पुंडांची ती
परंतु सेना बुड़वीली, सिंधु पासुनी सेतु बंद पर्यंत समरभु लड़वीली, ऐसा उन्होंने उसका वर्णन किया है। यश की ओर जा ही रहे थे इतने में दूसरा एक आक्रमण शुरू हुआ। यह किंतु यशस्विता की प्रक्रिया पूर्ण होने के पूर्व ही अचानक दूसरा प्रबल आक्रमण सामने आया अंग्रेजों का। सैनिकी राजनीतिक क्षेत्र में यह जो प्रक्रिया हुई उसी की पुनरावृत्ति हमारे वैचारिक क्षेत्र में आज हो रही है। ओल्ड मिथ्स के खिलाफ हम यशस्विता पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, उतने में नए न्यू मिथ्स का आक्रमण तेजी से प्रारंभ हुआ है। यहाँ ध्यान में रखने लायक यह विशेष बात है, ऐतिहासिक काल में आक्रमण का ठीक जवाब देने में हमें 1100 साल लगे। नए आक्रमण का स्वरूप भीषण है, वह हमें अधिक समय देने वाला नहीं। शीघ्रातिशीघ्र इसका यशस्वी प्रतिकार नहीं किया तो एक दशक के अंदर अंदर यह आक्रमण हमारी स्वतंत्रता तथा संप्रभुता सॉवरेंटी खत्म कर देगा। देश में बेकारों की संख्या करोड़ों में हो जाएगी, स्वतंत्रता संप्रभुता खत्म हो जाएगी। इस गलत प्रचार अभियान का प्रारंभ जून 1945 से ही हुआ, जब द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ और पूर्व साम्राज्यवादी दर्शकों ने समझ लिया कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के दबाव के कारण उनके उपनिवेशों को स्वातंत्र देना उनके लिए बाध्य हो जाएगा और उस स्थिति में अपना अपना खुद का अर्थव्यवस्था का ढांचा टिकाना उनके लिए संभवनीय नहीं होगा, क्योंकि तब तक की उनकी समृद्धि उनके उपनिवेशों के शोषण के आधार पर ही खड़ी थी। अपनी अपनी अर्थव्यवस्था टूट न जाए इसलिए उनके देशों के लिए यह आवश्यक अपरिहार्य था कि अन्य देशों का शोषण करने का अवसर उन्हें अखंड प्राप्त होता रहे। किंतु यह कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि नव स्वतंत्र देशों के स्वाभिमानी देशभक्त यह कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि स्वातंत्र प्राप्ति के पश्चात उनके देशों का शोषण गोरे देशों के द्वारा चलता रहे और उन्हें आर्थिक गुलामी में ढकेल दिया जाए। इसलिए कौन सी रणनीति स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, रणनीति इस तरह की तय हुई। नव स्वतंत्र देशों में अपने लिए अनुकूल ऐसे ही लोग हुकूमत में यानी पावर में आ जाए इसकी व्यवस्था करना। इसके लिए आवश्यकता हुई तो खून खराबी करनी पड़े तो भी करनी चाहिए, किंतु ये अनुकूल शासन इस तरह के होने चाहिए कि गोरे साम्राज्यवादी देश उनके अपनी जनता का शोषण करेंगे तो उस प्रयास में वो निस्संकोच बेशर्मी के साथ विदेशी शोषकों का पूर्ण सहयोग करेंगे, अपने देश के साथ गद्दारी करने में जिनको संकोच नहीं होगा। सभी देशों की जनता को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाओं के बारे में पूर्ण रूपेण अंधेरे में रखकर पहले ही खरीदे गए उनके राज्यकर्ताओं के साथ समझौते करना, इन समझौतों का पूर्ण टेक्स्ट प्रकाशित न करते हुए उनके मीठा मीठा गपगप ऐसे ही हिस्से मीडिया में प्रकाशित करना और फिर समझौते का क्रियान्वयन करते समय उसके लोक विरोधी हिस्से जब लोगों को अखरने लगते हैं तब वे अस्वस्थ असंतुष्ट नाराज भले ही हो जाए किंतु वे प्रतिकार करने की अवस्था में नहीं रहेंगे। दे विल बी परप्लेक्स्ड नॉट नोइंग व्हाट टू डू। आकाश में से एकदम कुल्हाड़ी आ जाए तो आदमी जैसा परप्लेक्स होता है वैसी उनकी अवस्था होगी। विभिन्न देशों के स्वाभिमानी राष्ट्रभक्त विदेशी आर्थिक साम्राज्य के विरोध में जनता को जागरूक करने के लिए क्या क्या कह सकेंगे, क्या क्या तर्क प्रचारित करेंगे, इसको पहले से ही उनके एक्सपर्ट्स ने ठीक ढंग से एंटिसिपेट किया और ऐसे संभाव्य तर्कों को नलिफाई करने के लिए पहले से ही इस तरह का मिथ्या प्रचार चालू करना जिसके घन प्रचार से देशभक्तों के तर्क निष्प्रभ हो जाएंगे। उन्होंने पहले से अंदाज किया कि किस तरह से ये सारा हो सकता है और इसलिए बहुत सारे झूठ ऐसे उन्होंने तर्क पहले से प्रचारित किए और उनको ये मालूम था कि प्रचार का बहुत लाभ होता है। जैसे डॉक्टर गोबेल्स ने कहा कि रिपीट ए लाई 100 times एंड इट बिकम्स द ट्रूथ। हिटलर एक कदम आगे जाकर कहने लगे कि इफ़ यू वॉन्ट टू गिव ए लाई डोंट गिव ए सिंपल लाई, गिव ए बिग ब्लफ।
so big that nobody will be able to imagine that it is a bluff. तो ऐसा जो प्रचार का तंत्र है, अब ये जो नए मिथ्स आए हैं, गलत प्रचार, वो अभी अभी आए हैं, मैं उनके यहाँ एनुमरेशन नहीं करना चाहता, क्योंकि यह चर्चा देश में चल रही है। पुणे में भी विदेशी पूंजी का आक्रमण इस विषय में बहुत सभाएं हुई है, आप लोगों ने भी ये विषय सुना है, स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा यह विषय उठाया गया है। पूरे देश में दो बार पखवाड़ों तक, दो पखवाड़े ऐसे गए जहाँ सघन प्रचार स्वदेशी का हुआ है। इसलिए जो सारे तर्क है उसके उत्तर है, इनके सारे सवाल जवाब में मैं यहाँ समय देना नहीं चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो विदेशी पूंजी का जिसमें आते हैं वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल्स और अमेरिका, बाकी जो गोरे देश है वो भी है, तो इनका प्रचार बहुत दिन से चलने के कारण सभी लोगों के मन पर असर हुआ, इतना ही नहीं तो हमारे भी मन पर असर हुआ है। प्रचार का परिणाम होता है कि लाइ बिकम्स द ट्रूथ, और कभी कभी ये कितनी गंभीर बात है, भीषण बात है, यह न जानने के कारण क्या थोड़ा बहुत फर्क होगा, 19-20 का फर्क होगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है, बाद में देख लेंगे, ऐसे विचार कुछ अपने भी लोगों के मन में आने लगे। इसका अर्थ ये नहीं कि वो देशभक्त नहीं है, राष्ट्र समर्पित नहीं है, सिंसियर नहीं है, दे डू नॉट नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। इसका मुझे अभी अभी अनुभव आया, वो मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। हमारे दो अच्छे पुराने कार्यकर्ता थे संघ के, और हमारे साथ उनकी ये बहस चलती थी कि आप टेक्नोलॉजी के बारे में ऐसे दकियानुसी ऑब्स्कुरेंटिस्ट पॉलिसी क्यों लेते हैं। हमने जो कहा कि नेशनल टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी होनी चाहिए, बोले ये रिजर्वेशन क्यों, टेक्नोलॉजी जितनी अपडेट रहेगी उतना देश आगे बढ़ेगा, वगैरह वगैरह। हम लोग जो बोलते थे उनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं होता, तो वो कहते थे कि ठीक है, थोड़ा बहुत चलता रहता है। अभी 15-20 दिन के पहले ऑर्गेनाइजर में हमारा एक आर्टिकल आया था, स्वदेशी एंड टेक्नोलॉजी, तो उसमें टेक्नोलॉजी का विकास कैसे कैसे हुआ, कहाँ तक आया है, उसके परिणाम क्या है ये बताया, और उनका आदर्श क्या है टेक्नोलॉजी का यह बताया, क्योंकि मल्टीनेशनल भी यहाँ आएंगे तो उनका आदर्श यही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना है, तो आदर्श क्या रहेगा यह जब बताया, तो साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट डॉक्टर बैरन, इन्होंने वो आदर्श बताया। उन्होंने कहा कि हम टेक्नोलॉजी को उस अवस्था तक ले जाना चाहते जब बड़े से बड़ा कारखाना दो कर्मचारियों के भरोसे हम चला सकेंगे, सभी मशीनें चलती रहेगी, कौन दो कर्मचारी, एक कुत्ता और एक आदमी, कुत्ता काहे के लिए, तो सारी मशीनरी तो मालिक साहब ने बटन दबाने के बाद चलती ही रहेगी, उसमें कोई आदमी शरारती आदमी आकर हाथ न डाले, बाधा न दे, इसलिए एक अच्छा अल्सेशियन कुत्ता रखेंगे, और कुत्ते को दिन भर खिलाना पिलाना इसके लिए एक आदमी रखेंगे, दो कर्मचारियों के भरोसे हम बड़े से बड़ा कारखाना चलाएंगे, ये इनका आदर्श है। हो रहा, अभी यूरोपियन कम्युनिटी ने एक कमिटी अपॉइंट की, छह छोटे देश, इटली, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम वगैरह, इनके ऊपर ये टेक्नोलॉजी का क्या असर हुआ है देखने के लिए। ये देश छोटे, वहाँ भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण लाखों लोग बेकार हुए ऐसा दिखाई दिया। प्रॉपर अमेरिका में, अमेरिकन पार्लियामेंट को अमेरिकन कांग्रेस कहते हैं, अमेरिकन कांग्रेस के हाउस कमिटी फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके चेयरमैन जॉर्ज ई ब्राउन, उन्होंने प्रकट रूप से यह वक्तव्य दिया कि अमेरिका में बेकारी बहुत बढ़ रही है और उसका प्रमुख कारण टेक्नोलॉजी है। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर टेक्नोलॉजी का विरोध कर रहे हैं, और ये जब हम अमेरिका का नाम लेते हैं तब कृपा करके ऐसा मत समझिए कि हम सब अमेरिकन लोगों के खिलाफ है, गलत बात। कॉमन अमेरिकन सिटीजन हमारे जैसा ही इनोसेंट है, हमारे जैसा ही इग्नोरेंट है। हम जब अमेरिका का नाम लेते हैं तो वी मीन द नेक्सस बिटवीन द रूलर्स एंड द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो कैपिटलिस्ट और रूलर्स का नेक्सस है, उसको हम अमेरिका इस नाम से उसकी हम निंदा कर रहे हैं। और ये लोग कैसे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते, आप सज्जन हैं इसलिए आप कल्पना नहीं कर सकते, दुष्ट लोग कितने दुष्ट हो सकते इसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। कि जब उन्होंने देखा कि बाकी देशों का शोषण करने में उनको समय लग रहा,
धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे, प्रतिकार कर रहे हैं। यूरोप के लोग भी अब पहले समान उनके बिल्कुल बगल बच्चे होने से इनकार कर रहे हैं। चीन और जापान की हालत ऐसी थी कि ऐतिहासिक घटनाक्रम के कारण जैसे अमेरिका गुर्राएगा तो वो दुम दबाकर भागते थे, आज वो बराबरी के नाते खड़े हो रहे हैं। फिर एक नया अनुभव उनको आया, वो जानते थे कि तृतीय विश्व के देशों में मजदूरों को पैसा कम देना पड़ता है, कच्चा माल सस्ते में मिलता है, वो जानते थे। किंतु वहां का जो प्रोडक्शन है वो सोफिस्टिकेटेड नहीं होता, प्रोडक्टिविटी अमेरिका की तुलना में कम रहती है, कम सोफिस्टिकेटेड भी रहती है। 5-6 जगह उनको ऐसा अनुभव आया कि लो वेजेस लेने वाले मजदूरों ने भी उतनी ही प्रोडक्टिविटी दी, उतना ही सोफिस्टिकेशन दिया। तो इनके मन में लालच पैदा हुई कि अभी जो नए उद्योग अमेरिकन कैपिटल के द्वारा शुरू हो गए, क्यों ना वे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में शुरू किए जाए। कच्चा सस्ता माल और सस्ता मजदूर, इसके कारण प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़ जाएगी। तो अमेरिकन कैपिटल, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट अमेरिका में न करते हुए विदेशों में करना, यह उन्होंने सोचा। और इसके कारण अपने जो देशवासी, अपने बंधु है, फ्लेश ऑफ देयर फ्लेश एंड ब्लड ऑफ देयर ब्लड, किथ एंड किन, ये कितने बेकार हो जाएंगे, इसका भी उन्होंने विचार नहीं किया। और जहां अमेरिका के इंडस्ट्रीज बीमार हो जाते वहां कन्वेंशन है कि सरकार ने उनको सब्सिडाइज करते हुए फिर से दुरुस्त करना। सरकार ने भी सोचा कि बीमार उद्योगों को सब्सिडाइज बहुत ज़्यादा डॉलर्स देने पड़ेंगे, क्यों ना ये सारे उद्योग उठाकर तृतीय विश्व में ले जाए, वहाँ सस्ते में प्रोडक्शन होगा और प्रॉफिट मार्जिन रहेगी, ये दुरुस्त हो जाएगी। उनके में काम करने वाले, उनके जो फ्लेश ऑफ देयर फ्लेश एंड ब्लड ऑफ देयर ब्लड, किथ एंड किन, वो सारे कैसे भूखमरी में जाएंगे, इसका उन्होंने विचार नहीं किया। मेरे कहने का मतलब है कि इनके साइकोलॉजी की आप सज्जन लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। हमारी सज्जनता एक हमारा वीकनेस भी है, जब हम दुष्ट लोगों के संपर्क में आते हैं। ये इतने हैवान हैं कि इनको किसी भी प्राणी मात्र के बारे में प्रेम नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है। जो अपने देशवासियों को वो भूखमरी में डाल सकते हैं, आपकी क्या वो फिक्र करेंगे। ऐसा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किंतु अपने यहाँ उसके विषय में जानबूझकर लोगों को अंधेरे में रखा गया, और इसका परिणाम उनके गलत प्रचार का ऐसा कुछ विचित्र हुआ है, किसके कारण अपने भी कुछ लोग सोचते हैं, अरे भाई फर्क कितना पड़ेगा, 19-20 का फर्क पड़ेगा। ये 19-20 का फर्क नहीं है, 100 और -100 इतना फर्क है, बहुत फर्क पड़ता है। देश बर्बाद होगा, हमारे उद्योग उनके हाथ में जाएंगे, कृषि उनके हाथ में जाएगी, रिसर्च उनके हाथ में जाएगा, हमारी संप्रभुता खत्म हो जाएगी। माने हमने फर्स्ट जो पहला वार ऑफ इंडिपेंडेंस हमने 1947 में जीत लिया, उसमें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की। अभी यह सेकंड वार ऑफ इंडिपेंडेंस हमको लड़ना पड़ेगा, जो आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई है। किंतु फर्क इतना है कि पहली लड़ाई एक तरफ अंग्रेज सरकार, एक तरफ हम भारतवासी ऐसे थे, यह लड़ाई केवल दो तक सीमित नहीं है, तो तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है, प्रारंभ हो चुका है। पहले दो विश्व युद्ध सैनिक के शस्त्रों से लड़े गए थे, ये तीसरा विश्व युद्ध आर्थिक शस्त्रों से लड़ा जा रहा है। तो तीसरे विश्व युद्ध के अंतर्गत भारत का दूसरा स्वातंत्र संग्राम, यह तेजी के साथ लड़ने की आवश्यकता है, उसकी तैयारी करने की आवश्यकता है। और उसके कारण अच्छे अच्छे हमारे राष्ट्रभक्त, राष्ट्र समर्पित लोग भी उनके गलत प्रचार के शिकार होकर, और भीषणता, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफी, ये न समझने के कारण कभी कभी स्वदेशी के बारे में जो सोचते हैं उन्होंने सारा समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो नए मिथ्स है इसका भी जनता में प्रचार करने की आवश्यकता है, और इसका विरोध जो होगा वो जागरूक जनता के द्वारा ही होगा। वैसे तो हमारी स्वतंत्रता बेची गई है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस समय पूर्व कांग्रेस सरकार ने गैट के एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किया और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता स्वीकार की, तभी हम बेचे गए हैं। इतना ही है कि उनके सामने एक चेतावनी थी, कनाडा के रूलिंग पार्टी ने ऐसे ही एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था जिसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिकन फेयर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्टा। अब जब कनाडा के लोगों के सामने आया तो मीठा मीठा गपगप आया, लोगों ने सोचा ठीक है, इसमें आपत्ति क्या है। पूर्ण सच्चाई सामने नहीं आई। जब क्रियान्वयन शुरू हुआ, इम्प्लीमेंटेशन, तो पता चला कि यह तो घातक है, उसके खिलाफ असंतोष और आंदोलन शुरू हुआ। और राज्यकर्ता दल के दुर्भाग्य से उसी समय इलेक्शन आया,
लोग इतने नाराज थे नाफ्टा पर सिग्नेचर करने के कारण कि जिस रूलिंग पार्टी ने नाफ्टा पर सिग्नेचर किया इट वॉज राउटेड, उनको केवल 2 मेंबर पार्लियामेंट वो उनको मिले, विरोधी दल की मेजोरिटी आई और विरोधी दल के प्राइम मिनिस्टर ने पहला पत्र राष्ट्रपति क्लिंटन को लिखा कि हम जानते हैं कि इट इज द कन्वेंशन ऑफ द सिविलाइज्ड गवर्नमेंट्स टू ऑनर द कमिटमेंट्स एंड एग्रीमेंट्स ऑफ द प्रीवियस रेजिम, किंतु ये जो एग्रीमेंट है वो ऑब्वियसली इतना अनजस्ट अनफेयर है कि आई डिमांड रीनिगोशिएशन ऑन दिस सेम एग्रीमेंट। मैं समझता हूँ कि दुनिया के इतिहास में पहला ही अवसर है जब कोई प्रधानमंत्री लिख रहा दूसरे को कि आई डिमांड रीनिगोशिएशन ऑन दिस सेम एग्रीमेंट। यह उदाहरण सामने होने के कारण और अपने देश में भी चुनाव आ रहे थे इसके कारण देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग कि भाई हमने सिग्नेचर किया है, सब कुछ अमल में आ जाएगा, आप जल्दी मत कीजिए, तेजी से क्रियान्वयन की बात मत कीजिए, तेजी से क्रियान्वयन होगा तो हमारा भंडाफोड़ होगा और चुनाव में हमारी वही हालत होगी जो अमेरिकन रूलिंग जो कैनेडा के रूलिंग पार्टी की हुई। तो जरा सबूर से लेना, चुनाव तक सबूर से लेना, हम फिर से पावर में आ जाएंगे तो अपना सारा इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा, फिर कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकता, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था। अब चुनाव में नतीजे दूसरे आए आप जानते हैं, उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं, राजनीति मेरे से आप लोग ही ज़्यादा जानते हैं। अब नए परिस्थिति में क्या होगा, किंतु एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं, आवर कंट्री इज ऑलरेडी सोल्ड, हस्ताक्षर करने वाली जो रेजिम थी वो आज पावर में नहीं है। किंतु दूसरी भी बात है, जगह जगह देखा गया है कि हैंड्स ऑफ फॉरेन कैपिटल आर टू लॉन्ग, हैंड्स ऑफ फॉरेन कैपिटल आर टू लॉन्ग, और कौन कौन खरीदे नहीं जाएंगे इसकी लिस्ट करना बहुत कठिन है। जो सारे स्कैम्स और घोटाले और ये सारा जो आप पढ़ रहे हैं, पीपल आर परचेस्ड, लीडर्स आर परचेस्ड, स्पष्ट बात है। ऐसी परिस्थिति में हम खड़े हैं और इसमें से रास्ता जो निकालना है वह जन जागरण के भरोसे ही निकालना है। देशभक्त सभी लोग एक मंच पर आकर इसका विरोध करेंगे तभी इसका मुकाबला हो सकेगा, इस परिस्थिति में हम हैं। तो जो पुराने मिथ्स थे उसका मैंने केवल निर्देश किया, नए जो अभी मिथ्या प्रचार चल रहा है उसका मैंने उल्लेख नहीं किया, क्योंकि पुणे में और बाहर भी इसका सारा प्रचार स्वदेशी जागरण मंच की ओर से चल रहा है, उसका पुनरुच्चारण करके आपका समय बर्बाद करने की मेरी इच्छा नहीं, किंतु इस परिस्थिति में हम खड़े हैं। बाकी भी जो राजनीतिक क्षेत्र में चल रहा उसमें भी सारी गड़बड़ है ऐसा सब लोग जानते हैं, क्या बताने की आवश्यकता नहीं। मैं तो पॉलिटिक्स के बारे में घोर अज्ञान रखता हूँ, लेकिन यहाँ प्रबुद्ध लोग हैं, सभी जानते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में किस तरह से उथल पुथल चल रही है। अब इस परिस्थिति में स्वाभाविक आता है कि इतने चैलेंजेस है, क्या उसके ऊपर कोई उपाय है? चैलेंजेस तो बता दिए, बीमारी बता दी, किंतु इलाज क्या है? वैसे तो अंग्रेजी में कहावत है कि डायग्नोसिस इज हाफ द क्योर, कोई आदमी बीमार होता है तो रोग का सही निदान हो गया तो समझना आधी बीमारी अच्छी हो गई है। पहले तो डायग्नोसिस होना चाहिए, डायग्नोसिस हो जाएगा तो उपाय क्या है यह स्पष्ट ख्याल में आ जाएगा। अब हम देखें कि हम स्वतंत्र होने के पश्चात हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन आई। हम कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा करते हैं तो कई लोग उसका विपर्यास करते हुए कहते साहब ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई उनके खिलाफ बोल रहे, ऐसा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग किया किंतु सारा कुछ मेरे मन के मुताबिक था, ऐसा नहीं है। आई हैड टू एकोमोडेट ऑल द वेरियस करंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और फिर उन्होंने भी कहा कि मैंने जिस उद्देश्य से कॉन्स्टिट्यूशन बनाई उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती ऐसा यदि मुझे दिखाई दिया तो आई विल बी द फर्स्ट मैन टू बर्न द कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन पब्लिक स्क्वेयर, यहाँ तक भी डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलना उनके बारे में कोई बेइज्जती की बात नहीं है, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत चर्चा हो गई, संक्षेप में यदि कहना होगा तो ये ब्रिटिश टाइप कॉन्स्टिट्यूशन हमें सूट नहीं करेगी, ऐसा यहाँ के ऐसे विचारकों ने जिनका पर्सनल पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था पहले से वार्निंग दी थी। 1908 में पूज्य महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज में यह कहा था कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे लिए सूटेबल नहीं है। 1914 में अरविंद ने कहा कि हमारे देश में एक ही सिस्टम काम कर सकती है, वह माने गवर्नमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट
जो फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात बाद में आई वही है, गवर्नमेंट ऑफ इंटरेस्ट 1914 में अरविंद ने कहा। 1926 में जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जेल में थे, उन्होंने अपना आत्मचरित्र लिखा, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाली डेमोक्रेसी भी हिंदुस्तान में आती है तो चुनाव के समय महान भ्रष्टाचार होगा, और फिर वो भ्रष्टाचार केवल सुनाई चुनाव के समय तक सीमित नहीं रहेगा, बहुत फैलेगा। 1926 में उन्होंने यह लिखा। स्वराज्य प्राप्ति के थोड़े दिन पहले मानवेंद्र नाथ रॉय, M.N. रॉय, जिन्होंने दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशंस का अध्ययन किया, उन्होंने ऐसा कहा कि यह जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो उसी देश के लिए उपयुक्त है जहाँ पब्लिक एजुकेशन बहुत वाइड स्प्रेड है। जहाँ पब्लिक एजुकेशन इतना नहीं है वहाँ ये काम नहीं कर सकता। तो किसी उनके शिष्य ने पूछा कि साहब करोड़ों लोगों का देश है, इनको साक्षर बनाना, सुशिक्षित बनाना, फिर वो देश का कारोबार देखेंगे। क्योंकि उनका कहना था कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि एवरी सिटीजन शुड हैव ए राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द स्टेट, ये डेमोक्रेसी का मतलब होता है। वोट देना ये डेमोक्रेसी का मतलब नहीं है, पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द स्टेट, और इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है, ऐसा उनका कहना था। तो एक ने कहा कि करोड़ों लोगों के सुशिक्षित करने में कितना टाइम लगेगा। उनका उत्तर बड़ा अच्छा था, और जो हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बौद्धिक वर्ग में संघ के लिए भी उपयोग में लाते हैं, उन्होंने कहा कि इट मे बी ए लॉन्ग वे बट इफ इट बी द ओनली वे देन इट इज ऑल्सो द शॉर्टेस्ट वन। आज पब्लिक एजुकेशन क्या है, क्या स्थिति हम जानते हैं। जब रचना हुई तो फेडरल और यूनिटरी की चर्चा हुई, तो उस समय परम पूज्य गुरु जी ने ये फेडरल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए कहा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा यह फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, और उन्होंने कहा कि इंडियन यूनियन इस शब्द का मैंने प्रयोग जानबूझकर किया कि आने वाले पीढ़ियों में गलत फहमी पैदा न हो कि यह फेडरेशन है, यह फेडरल स्ट्रक्चर है। अम्बेडकर जी ने यह स्पष्ट कहा था। उसके पश्चात जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम चला तो कॉन्स्टिट्यूशन के दोषों के बारे में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वयं डॉक्टर अम्बेडकर, सब लोगों ने जगह जगह अलग अलग स्थान पर अपना असंतोष प्रकट किया था। फिर जयप्रकाश नारायण, लोकनायक, विनोबाजी भावे, इन लोगों ने, जैसे सोरोकिन, सोएस्टिन या M.N. रॉय, इन्होंने यह प्रश्न खड़ा किया कि पॉलिटिकल पार्टी या सिस्टम डेमोक्रेसी के लिए अनुकूल है क्या। बड़ी चर्चा उन्होंने की है, उनकी जो पुस्तक है पार्टी पावर एंड पॉलिटिक्स, उसमें यह चर्चा है कि पॉलिटिकल पार्टी या इंस्ट्रूमेंट फॉर डेमोक्रेसी हो सकती है क्या। यही चर्चा जयप्रकाश नारायण ने अपने त्यागपत्र के समय की थी। उन्होंने कहा कि मैं PSP छोड़कर घर बैठा हूँ, ये नहीं कि PSP के साथ मेरा मतभेद है, पॉलिटिकल पार्टी एज एन इंस्टीट्यूशन यहाँ काम नहीं कर सकती ऐसा मुझे लगता है। वही बात सोरोकिन और सोएस्टिन ने अपने अपने वक्तव्य में कही थी, वह भी चर्चा उस समय हुई। पार्टी लेस डेमोक्रेसी आनी चाहिए ऐसा उन्होंने कहा। परम पूजनीय गुरु जी ने थाना में कुछ सुझाव दिए। एकदम कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द सॉइल, किंतु एकदम बदलो ऐसा तो नहीं, किंतु दो बातें कही थी। एक तो कहा कि फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन ये टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ आना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि मैं आज ये नहीं कहता कि टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन की सिस्टम इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय सिस्टम ऑफ फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, मैं ये कहूँगा कि आज जो पार्लियामेंट की और असेंबली की रचना है उसी में टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन लाया जाए, क्या व्यवस्था करना है ये सर्वानुमति से तय हो सकता है, ऐसा कहा। और दूसरी बात कही कि लोएस्ट इकाई के जो इलेक्शन है वो एक मत से ही होने चाहिए, यूनैनिमस इलेक्शन एट द लोएस्ट यूनिट। मुझे स्मरण होता है कि मैं थाना से वापस आया तो पार्लियामेंट में मैं उस समय कम्युनिस्ट मेंबर्स के साथ ही ज़्यादा बैठता था। एक तो मैं केरल बंगाल से ही वो थे, हमारे होम स्टेट के जैसे दोनों स्टेट है, और फिर भाषा का भी सवाल था, इसके कारण बड़ा प्रेम था। सिद्धांत के लिए हम झगड़ते थे लेकिन आपस में बहुत प्रेम भी था, तो हम एक दूसरे की खिल्ली भी उड़ाते थे, एक दूसरे से प्यार भी करते थे, चाय भी एक दूसरे को पिलाते थे। तो हम आए तो उनको पता था मैं थाना गया, तो उन्होंने कहा आपके गोलवलकर जी ने क्या कहा, हमने दो बातें कही। तो जब मैंने कहा एक मत से चुनाव, तो एक सदस्य ने कहा नॉनसेंसिकल, अब ये प्रोग्रेसिव लोगों की भाषा होती है, तो उन्होंने कहा नॉनसेंसिकल। तो मैं समझ गया, मैंने इतना ही कहा कि बोले आपका कहना सच हो सकता है, आप भी अनुभवी हैं, किंतु एक ही बात मुझे स्मरण हो रही है, आपकी इजाज़त होगी तो मैं आपको बताऊँ। बोले क्या है। तो हमने कहा कि मोहम्मद साहब के जीवन में
उनको जो रिविलेशन हुआ वह उम्र के 40वें साल में हुआ। उसके बाद उन्होंने प्रचार कार्य शुरू किया, तो उनके जीवन के अंतिम चरण में अरेबिया में इस्लाम चारों ओर फैल गया था, वो बुड्ढे हो गए थे। ऐसे समय दूर के मक्का से बहुत दूर एक गांव में इनके ही अनुयायियों में विवाद खड़ा हुआ, तो एक फैक्शन के लोग डेपुटेशन के रूप में मक्का में आए मोहम्मद साहब को मिलने। उन्होंने विवाद का बताया और कहा कि साहब आप हमारे गांव चलिए, क्योंकि अपने ही अनुयायी है और इनमें दो फैक्शंस हुए हैं। उन्होंने कहा भी मैं नहीं आऊँगा। उन्होंने कहा कि एक तो मेरी उम्र बड़ी है, यातायात के साधन कम है, जहाँ दो विद्वान लोग इकट्ठा आते हैं मतभेद हो ही सकते हैं, और इस्लाम इतना दूर फैला कि जहाँ जहाँ मतभेद है वहाँ वहाँ मैं जाकर रिजॉल्व करूँ ऐसा सोचा तो फिजिकली इम्पॉसिबल, मैं नहीं आता। तो उन्होंने कहा फिर निर्णय कैसे होगा? तो बोले मैं आपको बताता हूँ, आप सब गाँव वाले एकत्रित आ जाइए, और एकत्रित आने के बाद एक मत से अमीर का चुनाव कीजिए, अमीर यानी लीडर या प्रेसिडेंट, तो एक मत से अमीर का चुनाव कीजिए, और आपके अमीर का जो फैसला होगा वो मेरा फैसला है ऐसा मैं बताता हूँ। तो लोगों ने कहा साहब यही तो गड़बड़ है, जहाँ दो गुट है वहाँ एक मत से चुनाव कैसे हो सकता है? तो आप कम से कम क्वालिफिकेशन क्या हो चुनाव के लिए तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को अमीर होने की बिल्कुल इच्छा नहीं उसी को अमीर बनाइए, और जिस व्यक्ति को अमीर होने की इच्छा है वो कितना भी क्वालिफाइड रहे उसको बिल्कुल अमीर नहीं बनाना, ऐसा मोहम्मद साहब ने क्वालिफिकेशन बताया। ये जब सुना तो हमारे कम्युनिस्ट एमपी बोलने लगे हाँ देर इज सम ग्रेन ऑफ ट्रूथ इन इट। हमने कहा कि मोहम्मद साहब ने बोला तो ग्रेन ऑफ ट्रूथ आ जाता है, एमएस गोलवलकर जी ने बोला तो नॉनसेंसिकल हो जाता है, किंतु दैट इज द वे ऑफ प्रोग्रेसिव रेडिकल, दैट इज इररिस्पॉन्सिबल चैप्स। तो ऐसे कुछ सुझाव गुरु जी ने दिए, लेकिन इससे भी समाधान होने वाला नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन चलती रहे, उसमें कुछ सुझाव हम दें थोड़ा अमेंडमेंट हो, लेकिन इससे होने वाला नहीं था। इसलिए पंडित दीनदयाल जी को गुरु जी ने कहा कि भाई अपना अल्टरनेटिव भी हम लोगों ने पेश करना चाहिए। उसमें से उन्होंने थिंकिंग शुरू किया और एकात्म शासन प्रणाली, अभी एकात्म शब्द का भाषांतर करते समय मैं वहाँ था, बड़ी कठिनाई है। वास्तव में एकात्म का भाषांतर इंग्लिश में इंटीग्रल होता है, एकात्म मानव दर्शन माने इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, किंतु प्रचलित दुनिया के राजनीतिक क्षेत्र में दो ही शब्द प्रचलित थे, कॉन्स्टिट्यूशन में भी यूनिटरी और फेडरल, और ये इंटीग्रल नया शब्द तो लोगों को जचता नहीं, समझता भी नहीं। इसलिए एज ए कॉम्प्रोमाइज विद द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन पीपल वहाँ शब्द रखना पड़ा यूनिटरी, अंग्रेजी भाषांतर में वास्तविक इंटीग्रल शासन प्रणाली, यही उसका भाषांतर होना चाहिए, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। खैर, और वो कितना विचार पूर्वक था इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। अभी अभी कुछ राजनीतिक दलों के सामने आया कि साहब पहले तो हमने भाषावार राज्य रचना को सपोर्ट किया, अब हमें बुद्धि आ गई कि राज्य छोटे होने चाहिए, और उन्होंने कहा कि अब हमें पश्चात बुद्धि हो रही है, कोई आवश्यकता नहीं। यदि वो एकात्म शासन प्रणाली की तरफ देखते तो उनको पता चलता कि आज जो कठिनाइयाँ आ रही उसको एंटिसिपेट पंडित जी ने पहले किया था, और इसलिए उन्होंने कहा कि बेसिक यूनिट कैसे होने चाहिए, लिंग्विस्टिक स्टेट्स नहीं तो रीजन विद कॉमन लोकल कैरेक्टरिस्टिक, रीजन विद कॉमन लोकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच लैंग्वेज विल बी वन, केवल लैंग्वेज के आधार पर नहीं कॉमन लोकल कैरेक्टरिस्टिक। और उन्होंने कहा कि ट्रेडिशनली हमारे यहाँ 55 से 60 तक ऐसे कॉमन रीजन मानकर हम चले थे, शायद अभी भी हम छाट सकते हैं, उन्होंने छाटना शुरू किया था। अब कॉमन लोकल कैरेक्टरिस्टिक माने क्या है, जैसे महाराष्ट्र है तो यहाँ विदर्भ एक कॉमन लोकल कैरेक्टरिस्टिक है, कोकण एक कॉमन लोकल कैरेक्टरिस्टिक है, खानदेश अलग कॉमन लोकल कैरेक्टरिस्टिक है, मराठवाड़ा कॉमन लोकल कैरेक्टरिस्टिक है, गुजरात में साउथ गुजरात, सौराष्ट्र उत्तर गुजरात अलग है, आंध्र में तेलंगाना रायलसीमा सरकार अलग है, ये कॉमन लोकल कैरेक्टरिस्टिक वाले ये जनपद है। और उनके पश्चात जहाँ जहाँ झगड़े खड़े हुए आप यदि देखेंगे, कारण तो स्पष्ट है कि बड़े राज्य की सरकारें अपने छोटे विभागों के डेवलपमेंट के लिए सतर्क नहीं रहती, इसके कारण वहाँ असंतोष फैलता है, तो बात ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ झगड़े खड़े हुए आप एक एक उदाहरण बताइए। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ झगड़े खड़े हुए एवरी वन ऑफ द रीजन वॉज जनपद ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आप फिर उसको खालिस्तान कहिए, नागालैंड कहिए, मिजोरम कहिए, वनांचल कहिए, झारखंड कहिए, विदर्भ कहिए, तेलंगाना कहिए, जहाँ जहाँ झगड़े खड़े हुए एवरी रीजन वॉज जनपद एज डिफाइंड बाय पंडित दीनदयाल उपाध्याय। किंतु क्या हुआ कि दीनदयाल जी के जाने के बाद
लोग बहुत जल्दी में रहते हैं ना राजनीति में, इसलिए इस पर विचार करने के लिए फुर्सत नहीं थी। तो वो जैसा स्पेल आउट होना चाहिए था, अभी स्पेल आउट नहीं हुआ। तो यह एक काम गुरु जी के मन में था कि यह अल्टरनेट व्यवस्था का एक नक्शा कुछ देना चाहिए, इस तरह का ये हुआ। अभी अपने सामने समस्याएं हैं और ऐसा लगता है कि सारी अस्थिरता है, इंस्टेबिलिटी है और लोगों को आश्चर्य होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द सॉइल, इतना बोलने से भी होता नहीं। हमारी व्यवस्था क्या है हिंदुओं की, बताने की आवश्यकता नहीं। आप सब इतने हिंदुत्ववादी है कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं। हमारे यहां सुप्रीम अथॉरिटी धर्म है, राजा नहीं है। राजा दंड धर्म दंड के अंतर्गत है। पश्चिम में सुप्रीम अथॉरिटी राजा सत्ता है, किंतु अपनी हिंदू व्यवस्था छोड़ दीजिए, हम ऑब्सक्यूरेंटिस्ट है, ऑर्थोडॉक्स है, दकियानुसी है, किंतु वहां भी जो चल रहा पश्चिम से हमारे यहां एक दूसरी भ्रांति आई है, ये अनादर मिथ भ्रांति आई कि चूंकि जैसे पश्चिम में है कि राजसत्ता सुप्रीम, तो इसलिए राजसत्ता हर एक बात कर सकती है। तो ये आया कि हम कुछ भी गड़बड़ करके पावर में आ जाएंगे, एक बार पावर में आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक कर लेंगे, माने राजसत्ता सब कुछ कर सकती है। यह भ्रांति हमारे देश में बहुत आई है। ये नहीं समझते कि साधन शुचिता नहीं रखी, गलत साधनों का प्रयोग करके यदि हम सत्ता प्राप्त करते हैं तो उसके द्वारा हम सही ध्येय सिद्ध नहीं कर सकेंगे। यह सोचने के लिए पेशेंस की आवश्यकता है। आजकल लोग सभी बहुत जल्दी में, कहाँ जाने के जल्दी में पता नहीं चलता। तो यह जो एक राजसत्ता के विषय में भ्रांति, अब वहाँ जहाँ राजसत्ता को सुप्रीम माना गया वहाँ भी अब एक नई चर्चा शुरू हुई। हमारे देश में वो चर्चा आने में 5 साल बाद में लगेगी। ऐसा था कि अभी तक चर्चा थी लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट में, और चर्चा का एक प्रमुख बिंदु यह था कि व्हाट गवर्नमेंट शुड डू एंड व्हाट गवर्नमेंट शुड नॉट डू। कम्युनिस्टों का कहना कि गवर्नमेंट शुड डू एवरीथिंग, कैपिटलिस्टों का कहना कि गवर्नमेंट शुड डू द मिनिमम पॉसिबल थिंग, किंतु दोनों विवाद करने वाले पक्ष मानते थे कि गवर्नमेंट कैन डू ऑल थिंग्स, गवर्नमेंट कैन डू एवरीथिंग। आज नई चर्चा शुरू हुई है क्योंकि व्हाट गवर्नमेंट शुड डू एंड शुड नॉट डू ये तो ऑब्सोल्यूट हो गया है विवाद, कि व्हाट गवर्नमेंट कैन डू एंड व्हाट गवर्नमेंट कैन नॉट डू। सब कुछ बातें गवर्नमेंट ने करना चाहिए ऐसा भी सोचा, तो भी क्या गवर्नमेंट कर सकेगी? और कई कारणों से गवर्नमेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, यह बात अब प्रकाश में आने लगी। यह विवाद साइंस ऑफ मैनेजमेंट के जो सबसे प्रमुख प्रवक्ता वहां है पीटर ड्रकर, उन्होंने यह विवाद वहां इनिशिएट किया है, उस पर वहां चर्चा चल रही। हमारे देश में 5 साल पहले का जो हैंगओवर है पश्चिम का कि राजसत्ता में आ जाएगा तो हम सब कुछ करेंगे, यही हैंगओवर हमारे देश में चल रहा है। दूसरी भी बात है, जब चर्चा होती है, अभी चुनाव आ गए, चुनाव में एकमात्र हिंदुत्ववादी दल होने के कारण बीजेपी का समर्थन किया, किंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य का स्वरूप, राजनीतिक दल के कार्य का स्वरूप, इसके विषय में पहले से स्पष्ट धारणाएं थी। राष्ट्रनीति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राजनीति, इनके परस्पर संबंधों के विषय में यहाँ भाषण देने की आवश्यकता नहीं। मैं इतना ही कहूँगा कि परम पूज्य ने श्री गुरु जी के कुछ भाषण ध्येय दर्शन इस पुस्तिका में ग्रथित किए हुए हैं। ये ध्येय दर्शन आप पुस्तिका पढ़ेंगे तो राष्ट्रनीति, संघ और राजनीति, इनके परस्पर संबंधों का विश्लेषण आपके ध्यान में आएगा। वो सारा विषय मैं यहाँ लेना नहीं चाहता, पुस्तक मिल सकती है। फिर संघ की कल्पना क्या है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इज द एंटायर हिंदू सोसाइटी, ये हम ध्यान में रखें। कंसेप्चुअली संघ एंड सोसाइटी आर कोएक्सटेंसिव। साइकोलॉजिकली संघ इज आइडेंटिफाइड विद द एंटायर सोसाइटी। तो संघ इज नॉट ए कल्ट और ए सेक्ट और ए पार्टी और ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। संघ डज नॉट वॉन्ट टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन विद इन द सोसाइटी, संघ वॉन्ट्स टू ब्रिंग द एंटायर हिंदू सोसाइटी एंड मेक इट ए ऑर्गेनाइज स्टेट ऑफ अफेयर। ये प्रमुख भूमिका है, उसी के अनुसार पहले से काम चला। तो भी राजनीतिक मुद्दों का, क्षेत्र का कुछ महत्व आता है, और इसके कारण भलाई तो शायद जब होती है तब चिंता करने की बात नहीं, खतरा जब पैदा होता है तब चिंता करनी पड़ती है राष्ट्र के हित के नाते। तो परम पूजनीय डॉक्टर जी के जीवन काल में ही ऐसा एक प्रसंग आया कि हमारी यह व्यापक भूमिका रखते हुए भी कि संघ इज एंटायर सोसाइटी,
राजनीतिक क्षेत्र के बारे में सोचने की आवश्यकता निर्माण है, वह था रैमसे मैकडोनाल्ड ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत जब कॉमनल अवार्ड दिया। वो अवार्ड क्या है सारा नहीं बताता, आप पढ़ लीजिए, किंतु परिस्थिति क्या थी ये बताता हूँ। कॉमनल अवार्ड दिया, गांधी जी के और कांग्रेस की पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड हो गई। कॉमनल अवार्ड वॉज सो ऑब्वियसली एंटी नेशनल कि उसको हम एक्सेप्ट करना संभव नहीं था, किंतु हम उसको रिजेक्ट करते ऐसा कहा तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस ने चुनाव के समय पॉलिसी ली कि कॉमनल अवार्ड में आपका आपकी भूमिका क्या है, वी नाइदर एक्सेप्ट नॉर रिजेक्ट। हमारे डॉक्टर मुझे भाषणों में कहते थे कि नाइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट का मतलब क्या है, तुम्हारे मकान में चोर घुस गया है, हम पूछते हैं आपकी नीति क्या है, आप कहते हैं हम उसका स्वागत भी नहीं करते, हम उसको बाहर भी नहीं निकालते। ऐसी जब बात आई तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक राष्ट्रवादी होने के कारण उस समय जो अणे मालवीय की कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा थी, उसका काम खुलेआम स्वयंसेवकों ने किया, व्यक्तिगत कैपेसिटी में किया, संघ ने संघ के नाम से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, किंतु खुलेआम उन्होंने काम किया। किंतु उसके बाद जब इनका काम वगैरह देखकर नेता लोग खुश हो गए, उनको लगा कि अच्छे वॉलंटियर कोर के लोग हैं, उन्होंने जब कहना शुरू किया कि आप हमारे वॉलंटियर बन जाए, आपको समझता उमझता तो कुछ नहीं है, हम नेता है, हम आपको बताएंगे, आप हमारे मार्गदर्शन में चले, तो संघ के सदस्यों ने कहा कि हम आपको मानने के लिए तैयार नहीं, हमारा संघ राजनीतिक दल के अंतर्गत या संबद्ध नहीं रह सकता, एक विशेष परिस्थिति में विशेष इशू को लेकर हमने काम किया है, किंतु संघ यानी संपूर्ण हिंदू समाज यह भूमिका रखी गई। पहले चुनाव के समय जनसंघ की स्थापना होने के पश्चात परम पूजनीय श्री गुरु जी ने मतदाताओं का मार्गदर्शन करने वाला वक्तव्य निकाला, ऑर्गेनाइजर में पब्लिश हुआ था, वो सबने पढ़ने लायक है। वैसे पिछले चुनाव के समय हमारे सरकार एवं माननीय शेषाद्री जी ने चुनाव के पूर्व एक सर्कुलर दिया था, चुनाव के बाद में एक सर्कुलर दिया था, वह भूमिका गुरु जी की भूमिका और डॉक्टर जी के समय की भूमिका समान है। इसमें से स्पष्ट होता है कि संघ राष्ट्र नीति में है, राजनीति में नहीं है, और राष्ट्र नीति में बाधा डालना जब राजनीति का काम हो जाता है तब फिर मजबूरी से फॉर द टाइम बीइंग यह कार्य हमारे स्वयंसेवक करते हैं। किंतु जैसे हिंदू महासभा के लोगों ने कहा कि हम नेता है, तुमको क्या समझता है, डॉक्टर जी के मृत्यु के बाद तो उनका हौसला इतना बढ़ा था, उन्होंने कहा कि अरे कौन MS गोलवलकर है, कल का लड़का है, हम तो परंपरागत नेता है, ट्रेडिशनल लीडर है, हमारी एक कमेटी बनाओ, हम संघ का मार्गदर्शन करेंगे, जहां तक उनकी ऑडेसिटी या हिम्मत बढ़ गई थी। किंतु संघ ने वो बात स्वीकार नहीं की। ये जो रिजर्वेशन है, यह जो लक्ष्मण रेशा है, यह लक्ष्मण रेशा ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, ये सारा हुआ लेकिन डायग्नोसिस आज की परिस्थिति का क्या है। अब हिंदू समाज रचना जब आएगी तब आएगी, जब स्पेल आउट होगी तब स्पेल आउट होगी, उसको लाने में भी टाइम लगेगा। आज इमीडिएटली जो प्रॉब्लम है वो क्यों है ये तो खोजना चाहिए। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हमने ठीक है कि प्रोडक्ट ऑफ द सॉइल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, हमने इंग्लैंड की नकल की है, लेकिन इंग्लैंड की नकल भी हम ठीक ढंग से नहीं कर सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये लोगों के ख्याल में नहीं आ रहा। लोग ऊपर ऊपर से देखते, वो कहते हैं कि जैसे इंग्लैंड में रचना है हमारे यहाँ, इंग्लैंड में एडल्ट फ्रेंचाइज है वो हमारे यहाँ है, इंग्लैंड में सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार है हमारे यहाँ है, पार्लियामेंट है हमारे यहाँ है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जैसा वहाँ है यहाँ है, तो इंग्लैंड में जैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, इंग्लैंड के लोग भी ये नहीं कहते कि दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो कहते हैं कि दिस इज लीस्ट बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो भी इंग्लैंड में जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो रिजल्ट्स हमारे यहाँ क्यों नहीं मिलेंगे। अच्छा, नेता लोग भी ये कहते हैं, हमको आश्चर्य होता है, उन्होंने सोचा है क्या कि वहां जो ये सारा स्ट्रक्चर आया है किस हिस्टोरिकल कोर्स ऑफ इवेंट्स में से आया है, हमारे यहां जो आया है वो किस हिस्टोरिकल कोर्स ऑफ इवेंट्स में से आया है। आप देखिए कि वहां की चर्चा हमेशा इतिहास काल में मोनार्की सुप्रीम, राजा सुप्रीम, उसके खिलाफ फिर अपने अपने अधिकारों के बारे में असंतोष प्रकट लोग करते थे, लेकिन राजा सुप्रीम था। फिर जो इंटरेस्ट ग्रुप थोड़े जागरूक हुए, उन्होंने थोड़ा एसर्ट करना शुरू किया, तो पार्लियामेंट या शब्द प्रचलित नहीं था तो भी संस्था के रूप में किंग्स काउंसिल 11वीं शताब्दी में हेनरी दी फर्स्ट ने बनाया, वह संस्था के नाते पार्लियामेंट के शुरुआत का हम कह सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री शब्द नहीं था। पार्लियामेंट्री शब्द 13वीं शताब्दी में आया, 1215 में
एक ऐतिहासिक घटना वहां हुई जिसको कहते हैं मैग्ना चार्टा। किंग जॉन ने मैग्ना चार्टा पर हस्ताक्षर किया और किंग्स काउंसिल में लोगों की संख्या बढ़ाई। तब तक जो और नए इंटरेस्ट ग्रुप सामने आए थे उनके भी कुछ प्रतिनिधियों को लेकर उन्होंने किंग्स काउंसिल बनाया और उसको पार्लियामेंट या संज्ञा दी गई। तो भी 13वें शताब्दी में पार्लियामेंट यह शब्द आया, किंग्स काउंसिल बड़ा बना, तो भी मोनार्क वाज सुप्रीम, राजा ये सुप्रीम था, पार्लियामेंट केवल एडवाइजरी और रिकमेंडेटरी कैपेसिटी में पार्लियामेंट थी। पार्लियामेंट को सुप्रीम अथॉरिटी का रूप प्राप्त होने में 4 शताब्दियां लगी। 1688 की जो रिवॉल्यूशन हुई जिसको वो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ ब्रिटेन कहते हैं, उसके पश्चात यह फॉर्मली एस्टेब्लिश हुआ कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम और राजा मोनार्क के पार्लियामेंट के अंडर रहेगा। माने 13वें शताब्दी में पार्लियामेंट का विस्तार हुआ, 4 शताब्दी के बाद उसकी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश हुई। तो भी मतदान का अधिकार कितने लोगों को था? बहुत थोड़े परसेंट को था। 1832 में उन्होंने एक एक्ट पास किया, कहा कि इट इज ए लॉन्ग लीप इन द डायरेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, और उसमें बाकी जो पहले रिप्रेजेंटेशन मिलता था उसके साथ साथ दोज हु ओन्ड और रेंटेड ए हाउस ओवर द पर्टिकुलर ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू उनको उन्होंने राइट दिया। ये लॉन्ग लीप के बाद कितने लोगों को मताधिकार मिला? 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ये लॉन्ग लीप थी 1832 की, बड़े स्ट्रगल के बाद उन्होंने प्राप्त की, टोटल पॉपुलेशन के 10% लोगों को मिले। उसके बाद फिर 1867, 1882, 1918 और 1928-29 में कानून पास होकर 1928-29 में एडल्ट फ्रेंचाइज सबको मिला। हमारे यहाँ महिलाओं को अधिकार मिलता है, ठीक ही है, एडल्ट फ्रेंचाइज भी ठीक भी है, लेकिन हिस्टोरिकल कोर्स ऑफ इवेंट्स में फर्क क्या है देखिए। 1215 में मैग्ना चार्टा हुआ और पार्लियामेंट के लिए सब महिलाओं को मतदान का अधिकार 1918 में मिला, 7 शताब्दियों के बाद। और थ्रू आउट दिस पीरियड अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप संगठित होते रहे, संघर्ष करते रहे। 700 साल के संघर्ष के पश्चात, 13वें शताब्दी से 20वें शताब्दी तक 700 साल के संघर्ष के पश्चात एडल्ट फ्रेंचाइज वहां आया। और जहां संघर्ष चलता है वहां लोक शिक्षा भी होती है, एक संस्कार भी संघर्ष के कारण होता है, एक मानसिकता तैयार होती है, वह उनकी स्थिति थी। हमारे यहाँ क्या हुआ, ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन ये जो सिस्टम है वो हमारे यहाँ 1920 में आई, मॉन्टेग्यू चेंसफर रिफॉर्म के फलस्वरूप। और 1920 में जब आई उस समय हिंदुस्तान की जनसंख्या 24 करोड़ थी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कितने लोगों को मताधिकार था, तो वह द्विदल राज्य पद्धति थी। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए मताधिकार मिला 17,000 लोगों को और नेशनल असेंबली के लिए मताधिकार मिला 9,09,000 लोगों को। कुल मिलाकर 24 करोड़ लोगों में से 9,09,000 और 17,000 इनको ही मताधिकार मिला। ये 1920 में था और 1950 में करोड़ों लोगों को मताधिकार मिल गया। क्या संघर्ष के कारण निर्माण होने वाले संस्कार, संघर्ष के कारण मिलने वाली राजनीतिक शिक्षा दीक्षा, दोनों में अंतर नहीं रहेगा? वहाँ 700 साल स्ट्रगल के कारण राजनीतिक शिक्षा दीक्षा हुई, संस्कार हुए, एक मानसिकता तैयार हुई। यहाँ तो ऐसा ही हुआ कि जैसे कोई आदमी सेल्फ मेड रहता है, गरीबी में से ऊपर आता है, एक एक पैसे की बचत करते हुए वो श्रीमान बनता है और अपने बंगले और मोटर कार वगैरह लेता है, उसको जो पैसे की कीमत है, लेकिन उसका लड़का बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन द माउथ, उसको कष्ट ही नहीं करने पड़ते, तो उसका उसकी जो मानसिकता होगी और पिताजी की मानसिकता, इसमें जो अंतर होता है, इतना अंतर वहाँ के और यहाँ के व्यवस्था में है, यद्यपि व्यवस्था समान है ऐसा दिखता है। मेरा मतलब ये नहीं एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन मतलब मेरा ये है कि पब्लिक एजुकेशन जो एम एन रॉय ने स्ट्रेस किया था, वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसा बढ़ेगा, और एजुकेशन माने केवल MA BA MSc नहीं है, पॉलिटिकल एजुकेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ेगा, इसकी फिक्र करनी चाहिए। नेता लोग फिक्र नहीं करने देते क्योंकि लगता है कि लोग ही यदि क्वालिफाइड हो जाएंगे तो हमारे नेतागिरी का क्या होगा, तो प्रोपेगंडा होता है, एजुकेशन नहीं होता। प्रोपेगंडा का मतलब होता है आत्मस्तुति परनिंदा, हम अच्छे हैं बाकी सब लोग खराब है, इससे काम नहीं होगा। एडल्ट फ्रेंचाइज यदि यशस्वी करना है पब्लिक एजुकेशन पूरा होना चाहिए। लेकिन MN रॉय डिड नॉट गो फार इनफ। उन्होंने जो कहा कि पब्लिक एजुकेशन बात ठीक है, किंतु ही डिड नॉट गो फार इनफ, इसका कारण है कि वो मरने के पहले उनको पूरा अनुभव नहीं आया था। सभी का अनुभव है, हमारे देश का भी अनुभव है कि केवल एजुकेशन के द्वारा जिम्मेवार लोग पैदा होगी इसकी कोई गारंटी नहीं।
हमारे यहाँ एक अच्छा उदाहरण हुआ, यहाँ रायगंज सिंधी करके है, वहाँ अन्ना साहेब हजारे, सबने नाम सुना है। तो उन्होंने एक अच्छा काम किया, तो वो देखने के लिए पुणे के सोशलिस्ट प्रगतिशील लोग, वहाँ कुछ नेता लोग गए। उनको देखकर धक्का लगा कि अन्ना साहेब हजारे का हेडक्वार्टर एक मंदिर में था, वहाँ वो भजन पूजन वगैरह कर रहे थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, और उस मंदिर का एक हिस्सा जरा टूट गया था, उसका रिनोवेशन उन्होंने शुरू किया, और उसके लिए 30-40 हज़ार रुपये इकट्ठा करने का कार्यक्रम चल रहा था, वो सारा उनको पता चला। फिर अन्ना साहब ने उनके साथ अपने आदमी देकर सारा देखने के लिए सारा देख कर आए, फिर चाय पर बैठे। तो एक प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट लीडर ने कहा कि अन्ना साहब आपका सारा अच्छा है, वी आर इम्प्रेस्ड, एक बात नहीं जच रही, आप लोगों में अंधविश्वास फैला रहे, आप मंदिर में हेडक्वार्टर रखते हैं तो लोग तो अंधविश्वासी हो जाएंगे। और बोले व्यावहारिक प्रश्न है कि वो रिनोवेशन के लिए मंदिर क्या पैसा खर्च कर रहे हैं, उतने में तो एक दो कमरे हो सकते हैं जहाँ प्राइमरी स्कूल के दो कक्षे लग सकते हैं। कहा ठीक है, कुछ बोले नहीं। चाय होने के बाद उन्होंने कहा कि आपने सारा तो देखा लेकिन हमारी फलबाग नहीं देखी। मैं बोले ये नहीं देखा। तो एक आदमी को दिया, बोले इनको फलबाग दिखाइए। तो बड़ी बड़ी फलबाग उनकी थी, देखकर वापस आए। कहा देखिए, हाँ बोले बहुत अच्छा है, आपने नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और बहुत फल अच्छे निकले होंगे वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि आपको वहाँ कुछ ध्यान में लेने लायक बात आपके ख्याल में आई क्या? अरे क्या? तो बोले आपने देखा कि यह फलबाग है, अच्छे अच्छे फल लगे हैं, कुछ फल पक गए वो नीचे गिरने के पोजीशन में है, कुछ लोग अभी कुछ फल ऐसे हैं जो अभी पिक जाएंगे, और सारे फलबाग में एक भी रखवालदार नहीं है, एक भी चौकीदार नहीं है। और आपको मालूम है, बोले कि हमारा ये जो गांव था यह चोर डकैत बदमाश लोगों का गांव था, ऐसे बाग में पूरी फलबाग कोई रखवालदार नहीं, कोई चौकीदार नहीं, ये आपने देखा क्या? बोले हाँ ऐसा तो है। तो ये क्यों हुआ आपके ख्याल में आया? आपने कहा कि प्राइमरी स्कूल के दो कक्षे यहाँ चल सकते थे, मंदिर का इनोवेशन का रिनोवेशन काय के लिए कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, एजुकेशन का महत्व है, मैं भी शिक्षण दे रहा हूँ, किंतु एजुकेशन के कारण अच्छा मनुष्य निर्माण होगा ये गारंटी है क्या? और उन दिनों में पुणे में जोशी अभ्यंकर मर्डर केसेस हुई थी, और ये जोशी अभ्यंकर मर्डर केसेस में मर्डर करने वाले 4-5 जो विद्यार्थी थे वो सुखवस्तु परिवार के थे, श्रीमान परिवार के थे, ग्रेजुएट्स थे, और उन्होंने शौक के लिए टीवी और सिनेमा देखकर शौक के लिए 10 मर्डर्स पुणे में किए थे। तो ले आपके यहाँ के सुशिक्षित उपाधि प्राप्त ऐसे ग्रेजुएट्स वे मर्डर्स कर सकते हैं, लेकिन हमारा गांव जो चोर और डकैत के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ एक फल की चोरी नहीं होती, ये मंदिर का प्रभाव है। ये शिक्षा के कारण ये संस्कार नहीं हो सकता, मंदिर के कारण ये संस्कार हो सकता है। प्रोग्रेसिव लोगों को क्या लगा होगा ये पता नहीं, लेकिन शिक्षा और संस्कार इसमें अंतर है। शिक्षा में महान संत भी निर्माण हो सकते हैं, और माइकल जैक्सन और कैसानोवा भी निर्माण हो सकता है। तो संस्कार यह महत्व की बात है। इस समय मुझे याद आ रहा है और उसी से मैं कंक्लूड करने वाला हूँ। मैंने कहा कि परम पूजनीय डॉक्टर जी जन्मजात देशभक्त थे, उनके समकालीन सभी कार्यों में, राजनैतिक गैर राजनैतिक सभी कार्यों में उन्होंने हिस्सा लिया था, सभी देशी विदेशी विचारधाराओं से उनका परिचय था, किंतु सब समय उनके मन में कुछ अस्वस्थता रहती थी। सभी देशी विदेशी विचारधाराओं से उनका परिचय था, किंतु सब समय उनके मन में कुछ अस्वस्थता रहती थी। डॉक्टर जी के मृत्यु के पश्चात बंगाल के क्रांतिकारी अनुशीलन समिति के एक ज्येष्ठ नेता त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती महाराज जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि आपके केशव राव, इन्होंने स्थापना तो संघ के 1925 में की, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ न कुछ कार्य शुरू करना चाहिए। बहुत साल से उनके मन में विचार चला होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी के लिए आपके डॉक्टर जी जब हमारे बंगाल में थे तो मुझे मिलते थे और कहते थे कि महाराज जी, हम स्वराज्य प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, यह तो बात ठीक ही है, क्योंकि कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वह दूसरे किसी राष्ट्र के गुलामी में रहे। तो स्वाभिमान, राष्ट्रीय स्वाभिमान की यह मांग है कि हम स्वराज्य के लिए सारी कोशिश करें, लेकिन हमारे राजनेता जो एक बात जनता को बता रहे, मुझे जचती नहीं, वो कह रहे कि एक बार स्वराज्य हाथ में आने दीजिए, एक बार राज्य सत्ता हाथ में आने दीजिए,
सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सभी समस्याएं सुलझ जाएगी, प्रगति के रास्ते प्रशस्त हो जाएंगे। बोले ये मुझे नहीं जचता, मुझे लगता है कि जब तक हिंदुस्तान का हर एक नागरिक राष्ट्रभक्त नहीं होता, उसके राष्ट्रीयता राष्ट्रीय चेतना का सुर ऊंचा नहीं होता और ऐसे लोगों का संगठन खड़ा नहीं होता, तब तक राष्ट्र को कोई आशा नहीं है। केवल राजसत्ता के भरोसे नहीं ये हो सकता। और इसीलिए जब ध्येय बताने का काम पड़ा, उस समय भी उन्होंने बायफोकल विजन का परिचय दिया। बायफोकल विजन में नीचे से नजदीक का दिखता है, ऊपर से दूर का दिखता है। नीचे से उन्होंने तात्कालिक लक्ष्य लिया स्वराज्य, हिंदू राष्ट्र का स्वराज्य, जो तुरंत प्राप्त होना चाहिए, शीघ्र प्राप्त होना चाहिए, याची देही याची डोला प्राप्त होना चाहिए। लेकिन ऊपर से उन्होंने देखा परम वैभवम, लॉन्ग रेंज विजन था। तो ये जो नेता कह रहे कि राजसत्ता प्राप्त होते ही सारा हो जाएगा, मुझे जचता नहीं, जब तक हरेक नागरिक राष्ट्रभक्त राष्ट्रीय चेतना से युक्त होकर संगठित नहीं होता, देश के लिए कोई भविष्य नहीं, ऐसा मुझे लगता है। आज जो चल रहा है, जैसे हेमेंद्रा वगैरह ने कहा कि पब्लिक एजुकेशन का अभाव, ये तो है ही, हिस्टोरिकल कोर्स इवेंट हमारा इंग्लैंड का अलग अलग है, ये तो कारण है ही। किंतु सबसे महत्व की बात कि जो सुशिक्षित है और नेतृत्व कर रहे हैं, उनका भी आप व्यवहार देख रहे हैं क्या क्या हो रहा। इसका कारण है कि उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए लेकिन नीच संस्कार प्राप्त किए हुए। तो संस्कार नहीं जब तक आते, राष्ट्र समर्पण के संस्कार जब तक नहीं आते, और इस तरह आम जनता जब तक संस्कारित नहीं होती, उनका संगठन नहीं होता, तब तक केवल राज्यकर्ताओं के भरोसे देश को देना खतरे से खाली नहीं। लोकशक्ति का दबाव, जनशक्ति का दबाव राजशक्ति पर रहेगा, तब गारंटी है कि राजशक्ति को ठीक चलना पड़ेगा। धर्मदंड रहेगा तब तो राजदंड ठीक चलेगा। लेकिन यदि जनता में जागृति नहीं, राष्ट्रीय चेतना का स्तर नहीं, दूसरी भाषा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यदि कमजोर है, तो फिर राजसत्ता ठीक चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। माने मैं यह कह सकता हूं कि राजशक्ति के ऊपर लोकशक्ति का दबाव राजसत्ता या हाथी के समान है, अंकुश की आवश्यकता है। हमारे ट्रेडिशन में मॉरल लीडर्स ऑफ द सोसाइटी हाथी के गंडस स्थल पर बैठकर जनसंगठन रूपी जो अंकुश है वो दबाते थे जब हाथी गड़बड़ करता था। आज जनसंगठन हमारे मजबूत नहीं, ऐसी मॉरल लीडरशिप इवॉल्व नहीं हुई। मॉरल लीडर्स है अकेले अकेले, लेकिन लीडरशिप एज ए ग्रुप ऐसी हमारी इवॉल्व नहीं हुई। और जनशक्ति का यदि अभाव है तो संघ की शक्ति जब तक इतनी पर्याप्त नहीं होती कि कोई भी पार्टी पावर में आ जाए, धरती पर संघ की शक्ति इतनी है कि नक्सलाइट भी पावर में आ जाएगा तो भी कोई भी नेशनल पॉलिसी तय करने के पहले नक्सलाइट प्राइम मिनिस्टर को झक मारकर डॉक्टर हेडगेवार भवन में आना पड़ेगा। इतनी शक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब तक नहीं होती तब तक हम प्रयोग करें, ठीक है। ये चुनाव होते हैं, खराब लोग आने के बजाय अपने लोग आने चाहिए। बीजेपी के बारे में हम स्पष्ट रूप से बोल ही रहे हैं, यही एकमात्र हिंदुत्ववादी दल है। वो जनता दल कर छोड़कर हमारे स्वयंसेवक बाहर आए, संघ के लिए ही बाहर आए, हम जानते हैं। हमारा उनका डायलॉग अच्छा है, ये सारा है, किंतु केवल इतने से नहीं होता। अब चर्चा होती है बीजेपी का काम कैसा बढ़े, हमारी भी चिंता है, लेकिन सारी चर्चा जहाँ जहाँ हम सुनते हैं उतना ही सुनते हैं कि बीजेपी का वोट कैसे बढ़ेगा, बीजेपी के लोग पावर में कैसे आएंगे। इज इट इनफ? पावर में आने के लिए, पावर कायम रखने के लिए और पावर का उपयोग परम वैभव के लिए करने के लिए जो क्षमता चाहिए, वह क्षमता कैसे आएगी, इसका विचार ही नहीं हो रहा। केवल यही हो रहा कि हमारे हाथ में सत्ता आ जाएगी सब कुछ हो जाएगा। मैं यह कहूँगा कि जहाँ बीजेपी को सत्ता में लेने का विचार चलता, वहाँ सत्ता में आकर ठीक काम करने की क्षमता बीजेपी में निर्माण हो, यह भी चिंता करने की आवश्यकता है। और इस दृष्टि से क्या क्या करना चाहिए, इसका सविस्तर न बोलते मैं यह कहूँगा कि पिछले रविवार के तरुण भारत में नागपुर के, और शायद आज के भी नागपुर के तरुण भारत में, हमारे प्रचार प्रसार प्रमुख माननीय बाबूराव जी वैद्य, इनके जो लेख आए हैं वो हरेक ने पढ़ने चाहिए, तो उनको पता चलेगा कि केवल बीजेपी को जैसे वैसे बाय हुक और क्रूक हम पावर में लाएंगे। आजकल लोग कहते हैं कि हम डिप्लोमेसी करेंगे, हथखंडे करेंगे, तिकड़मबाजी करेंगे, बाकी लोग तिकड़मबाजी करते हैं तो हम नहीं कर सकते हैं क्या, हम कम बुद्धिमान हैं क्या। तो फेयर मीन्स अनफेयर मीन्स के द्वारा फेयर ध्येय सिद्ध नहीं हो सकता। तो माननीय बाबूराव जी वैद्य के जो दोनों आर्टिकल्स हैं, हर एक ने पढ़ने चाहिए, तो दोनों में अंतर क्या है ये आपके ख्याल में आएगा। इसलिए मैंने कहा कि यदि संघ की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि वो संस्कार है, संघ की शक्ति बढ़ती है तो नक्सलवादी प्राइम मिनिस्टर होगा तो भी उसके हेडगेवार भवन में आना पड़ेगा, और संघ की शक्ति नहीं और मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूं तो मैं आपको आश्वासन देता हूं मैं अवश्य भ्रष्टाचार करूंगा, क्योंकि आपकी शक्ति क्या है, आप मुझे क्या बिगाड़ सकते।
तो भरोसे की बात यदि कोई होगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शक्ति यही है। और इस दृष्टि से राजनीतिक दल को सपोर्ट करना चाहिए, भारतीय मजदूर संघ को सपोर्ट करना चाहिए, विद्यार्थी परिषद को सपोर्ट करना चाहिए, हमारे स्वयंसेवक जिन जिन संस्थाओं में काम कर रहे हैं सभी संस्थाओं को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इन सब संस्थाओं का काम और संघ का काम, इसका अंतर क्या समझना चाहिए। जैसे फोड़ा फुंसी होता है, फोड़ा फुंसी होते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता, तो हम लोग मलहम पट्टी करते हैं। मलहम पट्टी करना आवश्यक है, नहीं करेंगे तो बड़ा दर्द होगा। किंतु एक जगह फोड़ा आया मलहम पट्टी की, वो दुरुस्त नहीं होता फोड़ा, तो चार जगह फोड़े आते, और चार जगह दुरुस्त नहीं होते तो 40 जगह आते। सोचना पड़ता है मामला क्या है। तो मामला ये है कि मलहम पट्टी से बीमारी दुरुस्त नहीं होती जब तक ये डायग्नोसिस नहीं होता कि व्हाट इज द रूट कॉज। और रूट कॉज यदि है कि खून खराब है, तो खून की खराबी कैसे दूर की जाए, इसका इलाज शुरू करना पड़ेगा। उसको टाइम लगता है, किंतु तात्कालिक इलाज के नाते मलहम पट्टी। वैसे हमारी जो अन्य संस्थाएं, मैं केवल राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, हमारी जो अन्य संस्थाएं उनके काम का भी महत्व है, उनके काम का महत्व मलहम पट्टी करने लायक है। लेकिन मूल बीमारी दुरुस्त करना, जिसके लिए समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, वह माने खून की खराबी दूर करना, माने संपूर्ण राष्ट्र को राष्ट्र समर्पण के संस्कार और संस्कारित लोगों का यानी स्वयंसेवकों का संगठन, यही वास्तव में मूल इलाज है। तो यदि वास्तव में मूल इलाज करना होगा तो हम मलहम पट्टी करते रहे, भारतीय मजदूर संघ कैसे बढ़ेगा, भाजपा कैसे बढ़ेगा, विद्यार्थी परिषद कैसे बढ़ेगी, प्रज्ञा भारती और संस्कार भारती कैसे बढ़ेगी, ये हम मलहम पट्टी जरूर करें। समझना चाहिए कि खून की खराबी दूर करनी है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शक्ति बढ़ाना, जिसका केंद्र बिंदु कार्य पद्धति का शाखा है, शाखा 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 वह कैसे मजबूत होगी, इसी में से राष्ट्र का पुनरुद्धार है। डॉक्टर आंबेडकर ने स्पष्ट कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, कानून के आधार पर और कोई भी राज्य ठीक ढंग से नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और लोगों में है तभी कॉन्स्टिट्यूशन ठीक चल सकती है। इस कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का आधार नहीं, इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का आधार जनरल मोरालिटी है जो संस्कारों में से आती है। तो बेसिक कुछ काम होगा, शाखा, संपर्क, संस्कार, स्वयंसेवक संगठन, यही बेसिक काम है। और इधर यदि हमारा ख्याल नहीं रहता तो आप मलहम पट्टी जीवन भर करते रहिए, रास्ता निकलने वाला नहीं।